हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जेजे क्लास में। मुख्यमंत्री ने जो शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की है फ्रेंड्स, उसमें बहुत बड़ा फैसला लिया है कि 32,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया इसी माह से शुरू होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बहुत ही बड़ा यहाँ तोहफा दिया है कि इसी महीने यानी जून से ही 32,000 शिक्षकों के लिए बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जो शिक्षा विभाग का समीक्षा बैठक लिया गया आज यानी 2 जून 2019 का अपडेट है, जो कि 1 जून को इसका बैठक किया गया था, तो 2 जून का इसका पूरा अपडेट दिया गया है आपका। ये प्रभात खबर के न्यूज़पेपर में आया है अपडेट। चलिए क्या है पूरा अपडेट दिखाते हैं आपको। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, दिखा रहा है कि इस माह से राज्य के विभिन्न माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में पढ़े रिक्त 32,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी और विशेष अभियान चलाकर इन सभी पदों को जल्द भरा जाएगा। शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग आरके महाजन ने कहा कि इनकी बहाली 60 वर्षों के लिए नियोजित शिक्षकों को मिलने वाले वेतनमान पर की जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, और आपको पता है कि आरके महाजन ने कहा कि प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों की भी समीक्षा की जाएगी। इस समय प्रदेश में कुल 3.80 लाख प्राइमरी शिक्षक हैं। कई स्कूलों में विद्यार्थियों की तुलना में शिक्षक अधिक हैं, उन्हें ऐसे स्कूलों में भेजा जाएगा जहां शिक्षकों की संख्या कम है, फिर भी यदि कमी पाई गई तो खाली पदों पर बहाली की जाएगी। और फ्रेंड्स, अभी जो है राज्य में जो आपका सेवा ली जा रही है अतिथि शिक्षक की, उसको जो है हटाया जाएगा जब ये बहाली हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, बहुत जल्द जून तो शुरू हो चुका है और इसी महीने से जो है बिहार सरकार ने ऐलान कर दिया है कि 32,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। तो फ्रेंड्स, जैसे ही इसका कोई भी आएगा नोटिफिकेशन तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।